जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आप सबके साथ आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से। और आज आप कहेंगे कि इतनी वेल ड्रेस्ड होकर मैं कहाँ जा रही हूं, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज। आज विमेन्स डे था, ऊपर से होली भी थी और मैंने विशेष तो आपको देनी थी, लेकिन आज हुआ क्या कि मेरी पूरी फैमिली कहीं पर गई हुई है और मैं बहुत ज्यादा सैड थी। लेकिन एक चीज ने मेरा जो मूड है बहुत ही फ्रेश कर दिया और मुझे तैयार होने पर मजबूर कर दिया। मैंने lovebook.com से कुछ एक चीजें अपने लिए मंगवाई थी, वो आज ऑल ऑफ सडन डिलीवरी उसकी आ गई। और जब वो चीजें मैंने खोल के देखी तो एक्साइटमेंट लड़कियों की, लेडीज की, विमेन की कहाँ जाती है, वो तो हम सबको पता ही है कि हम सबको शॉपिंग कितनी पसंद होती है। तो वो जब रैप्ड पूरा सामान आया तो उसको जब मैंने खोला तो मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो गया सामान को देखकर, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपने लिए कुछ ज्यादा कुछ खरीदा नहीं था और हैंडबैग्स का मुझे बहुत शौक है। तो मेरा मन था कि क्योंकि ट्रैवल कर करके सेम बैग्स के साथ मैं भी थक चुकी थी, तो मुझे कोई अच्छा सा बैग चाहिए था। तो मुझे ये वेबसाइट का कहीं से पता चला था, lovebook.com करके एक वेबसाइट है, तो उनसे मैंने कुछ सामान मंगवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से सब बैग्स में से कौन सा बैग। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कपड़ों में मुझे एक टाइम पे रेड कलर बहुत पसंद था, उसी चक्कर में कभी कभी जब हम लाइट कलर के कपड़े डालते हैं तो हैंडबैग अगर थोड़ा सा डार्क कलर का हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये एक हैंडबैग, मुझे नहीं पता पसंद आएगा आप लोगों को कि नहीं, ये मैंने ऑर्डर किया था। तो ये हैंडबैग बहुत प्यारा है, देखिए इसका सबसे अच्छी चीज है, आप कभी भी मेरा कोई जो फैशन वाला बैग देखेंगे ना, पार्टी वाला, तो उसमें चेन जरूर होती है, मुझे बहुत पसंद है एक्सेसरीज और ये सब कुछ लगा हुआ। तो ये बैग मुझे बहुत ही पसंद आया, जो कि आज मैं इस ड्रेस के साथ पहन के अभी जाऊंगी। इसको इस तरह से भी पहना जाता है और ये इस तरह का लग रहा है मेरी ड्रेस के साथ में, कितना प्यारा लग रहा है देखिए। तो एक ये बैग है, बाकी के दो बैग भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैसा लगा मुझे बताना मत। दूसरा जो बैग मैंने ऑर्डर किया था वो तीन के सेट में था, हम लोग को होता है ना, एक के प्राइस में अगर तीन चीजें मिल रही है तो क्या बुराई है। तो वो तीन का सेट था, तो ये है एक, इसको टोट या टोटे जो भी बैग बोलते हैं, तो एक ये है जो कि ट्रैवल वगैरह के लिए बहुत आसान रहता है और इसकी जो ये चीज है बहुत पतली है, जिसको कि यहाँ पे इजिली टिकाना शोल्डर के ऊपर, इट्स वेरी इजी एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। मुझे थोड़े से न्यूट्रल कलर्स रेगुलर मॉल वगैरह जाने के लिए पसंद आते हैं, तो मॉल जाने के लिए, अगर एयरपोर्ट पे भी जाने के लिए इसमें काफी सामान आ जाएगा, पासपोर्ट वगैरह, पानी की बॉटल, जो भी डाल के ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा बैग है, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ में ही दो चीजें और आई हैं, ये है कॉइन पर्स भी इसको बोल सकते हैं, नहीं तो इसको पासपोर्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये छोटा सा इसके साथ पाउच था। और एक चीज इसके साथ और आई है वो है ये है क्रॉस बैग। तो ये बैग जैसे हम इस तरह से क्रॉस करके पहन सकते हैं इसको, इसको क्रॉस बैग बोलते हैं। तो ये क्रॉस करके आराम से इसको भी कैरी किया जा सकता है, गिरने का भी कोई चांस नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो मुझे बताइएगा कि नंबर टू ये बैग। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल बैग जो मेरी जॉब से और मुझसे रिलेटेड है, ट्रेवल बैग, एक मैंने ये, जिसको हम पिट्ठू बैग भी बोलते हैं, इस तरह का एक बैग, मैं काफी टाइम से, एक मुझे गिफ्ट में आया था लेकिन वो थोड़ा चौड़ा था, तो उसको अगर मैं सूटकेस में डालूंगी तो वो क्रश हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी शेप जो थी ना वो बिल्कुल शेप वाला था। तो ये जो थोड़ा है, दिस इज रफ एंड टफ, आगे से थोड़ा इसका मटेरियल जो है बहुत ही सॉफ्ट है, पीछे से भी इट्स वेरी सॉफ्ट। तो अगर इसको मैं सूटकेस में भी डाल के लेके जाऊंगी तो इट विल बी वेरी प्रैक्टिकल फॉर मी फॉर ट्रेवल। और ये इसको एक शोल्डर में भी टांगा जा सकता है, दिस इज हाउ इट्स लुकिंग, यू गाइस कैन सी इट, या आई होप सो। और टैन ब्राउन कलर मेरा फेवरेट कलर है इन जनरल, अगर मैं बताऊं आपको तो, ये हो साथ में मैचिंग आप शूज डालें तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। जिप्स वगैरह इसके बहुत ही प्यारे हैं, ये देखें डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी है। ये चीजें मैं बहुत नोटिस करती हूँ, कि बकल्स वगैरह कैसे हैं, एक्सेसरीज कैसी हैं। तो ये तीन बैग मैंने अपने लिए एज अ गिफ्ट खरीदे थे, तो टोटल बिल तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप कहेंगे कि आप तो बहुत खर्चा करते हो, लेकिन इतने महंगे भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इनका वेबसाइट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इनका वेबसाइट, तो ये लव बुक करके एक वेबसाइट है जहां से मैंने ये ऑर्डर किया है, लव बुक क्लासिक एंड फैशन। और जो जहां तक कि मुझे मैंने चेक किया था, इनका मटेरियल जो है हैंडमेड है कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट गुड क्वालिटी ऑफ बैग्स आई मस्ट से, मैं खुश हूं शॉपिंग से। बहुत नीटनेस से बनाया गया है बैग, बिल्कुल क्लीन, सॉफ्ट है एकदम, कुछ ऐसा नहीं है कि चुभ रहा है या कुछ धागे वागे नहीं निकले हुए, कुछ भी, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए ये थी मेरी शॉपिंग,
अभी ये बाकी सारा सामान तो मैं एक ही बार में तो कैरी नहीं कर पाऊंगी डेफिनेटली, तो वन बाय वन यूज करूंगी, तो आपको दिखाती रहूंगी फोटोज में कि किस तरह के मेरे बैग्स मेरे पे लग रहे हैं। सबसे पहले तो अभी रेड वाला यूज करने वाली हूँ मैं, श्रीगणेश कर लिया है मैंने। तो चलिए, कैसा लगा हो आपको बैग नंबर 1, 2, 3 मुझे बताना मत भूलिएगा। और अगर भी आपको भी किसी को गिफ्ट करना है, अपनी मदर को, सिस्टर को, किसी को भी, तो वाई नॉट टू बाय फ्रॉम lovebook.com। वेरी नाइस बैग्स, ऑनेस्टली आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मुझे कहीं से सुनने में आया था कि एक वेबसाइट है एंड दे हैव गुड क्वालिटी बैग्स, तो मैं कहा चलो हमेशा यहाँ से तो खरीदती हूँ, वाई नॉट टू ऑर्डर ऑनलाइन। और मैं आप सबके साथ एक्चुअली एक टिप भी शेयर करना चाहती थी, जैसे हम लोग जो मैं बिलीव करती हूँ कि ऑनलाइन सामान ना, जैसे जो चीज को हम हाथ लगा के फील नहीं कर सकते तो हम हमेशा डाउट में रहते हैं। तो मुझे ये था कि एटलीस्ट मैं परचेज करूं, पहली बात तो जैसे मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिए। तो दूसरा मैं ये भी देखना चाहती थी कि ऑर्डर किया हुआ सामान जब घर पे आता है तो किस तरह से उसकी पैकिंग होके आती है, एक्चुअली में उसका कोई फायदा होता है या जैसे प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं होता, ये तो नहीं फोटो में कुछ और लग रहा है या रियल में कुछ और है। तो इनका जो भी फोटो में दिखाया हुआ था सेम टू सेम था, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल जो चीज मुझे दिखने में फोटो में दिखाई गई थी वही चीज मुझे डिलीवर हुई है। बाकी वेबसाइट का मुझे नहीं पता कि कैसा होता है जब तक कि मैं ट्राई नहीं करूंगी, तो ये मेरे लिए भी एक ट्राई था। खास करके ब्यूटी और फैशन का मैंने कभी ऑनलाइन इतना ऑर्डर नहीं किया है सामान, तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई था। सो चलिए दोस्तों, हैप्पी वुमेन्स डे एंड हैप्पी होली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसा लगा हो वीडियो बताना मत भूलिएगा। दिस वॉज नॉट अ शो ऑफ, दिस वॉज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, और फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, क्योंकि अभी मैं तैयार हूँ ना, आई एम गोइंग आउट। पार्टी वार्टी मैं करने ज्यादा जाती नहीं हूँ, तो टुडे आई एम गोइंग बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी लो, आई रियली रियली वॉन्ट गो। सो चलिए, आई सी यू गाइज वेरी सून, टॉक टू यू सून एज वेल, एंड बाय।